सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को मुलायम अखिलेश के गढ़ सैफई पहुंचे। यहां उन्होंने सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया। इसके बाद ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलायम यादव और अखिलेश के घर सैफई आज बुधवार 12:10 पर पहुंचे। जब सीएम सैफई मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम के मंच पर पहुंचे तो तालियां बजाकर लोगों ने उनका स्वागत किया। सीएम ने सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन किया और इटावा के सैफई में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया। इसके बाद ऑडिटोरियम में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले लोग इटावा और सैफई के नाम से डरते थे, अब यहां देश के युवा तैयार हो गए हैं। बता दें कि इस दौरान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रभात कुमार ने अस्पताल की उपलब्धियां बताई। मंच पर डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, चिकित्सा राज्य मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव, सांसद रामशंकर कठेरिया, विधायक सविता भदौरिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इटावा में मेडिकल के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, डबल इंजन की सरकार आम आदमी का ध्यान रख रही है। 500 बेड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन की बधाई दी। 1 हॉस्पिटल या 1 संस्थान कैसे ग्रामीण क्षेत्र की व्यवस्था को भी आमूलचूल परिवर्तन करने में योगदान दे सकता है, यह आज प्रदेश के अलग अलग जनपदों में ग्रामीण क्षेत्र में बन रहे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप मेडिकल कॉलेजेज उसके उदाहरण है। आपने देखा होगा कि 1947 से 2017 तक 70 वर्षों में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यूपी में बन पाए थे और आज उत्तर प्रदेश में 45 मेडिकल कॉलेज बनकर के गवर्नमेंट सेक्टर में 45 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 20 में बनने की प्रक्रिया के अंतिम चरणों में हैं और जो 14 बाकी जनपद बचे हुए हैं उन जनपदों में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के अंदर स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिसको उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर के रूप में लिया इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस देश के अंदर यह देश आजादी के बाद 1947 से लेकर के 98-99 तक केवल एक एम्स के भरोसे चलता था। सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के अंदर 6 नए एम्स दिए, इनकी संख्या कुल 7 हो पाई थी लेकिन मोदी जी ने अपने समय में एम्स की संख्या को बढ़ाकर के आज 22 कर दी है। 22 नए एम्स आज देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में है और मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को इस बात के लिए हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा कि उन्होंने अपने गांव में इस आयुर्विज्ञान संस्थान को स्थापित किया। वास्तव में आप मुझे बताइए, अगर यह विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय यहां नहीं बनता तो क्या पूरा लघु भारत के दर्शन यहां पे हो पाते? अभी मैं देख रहा था, नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई उड़ीसा से है, कोई इटावा से है, कोई उन्नाव से है, कोई सीतापुर से है, कोई लखनऊ से है और आप में भी जितने छात्र छात्राएं हैं, पहले लोग सैफई और इटावा के नाम से ही डरते थे। लेकिन जब पूरा लघु भारत यहां पे आया तो लघु भारत के कारण लोगों का इंटरेक्शन, एक संवाद, बहुत बार इस संवादहीनता के कारण ही संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत ही होती है कानाफूसी करने की, वे करते कुछ नहीं है, वे केवल कानाफूसी से ही अपना पूरा जीवन काट लेते हैं।
और अपना जीवन तो काटते हैं, दूसरे के जीवन में भी ब्रेकर बनते हैं। लेकिन आज आपने देखा होगा कि पूरे देश से छात्र भी मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए और साथ ही साथ यहां पर कार्मिक भी, मेडिकल की फैकल्टी भी है, स्टूडेंट भी हैं, यहाँ के कार्मिक भी हैं, वो अलग 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 क्षेत्रों से आकर के यहाँ पे अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं और नजदीक से समझने जानने का अवसर मिल रहा है। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की सृजन की भी संभावनाएं इससे बढ़ती हैं और सचमुच एक अच्छी सोच है। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान तेजी के साथ अपना कार्य आगे बढ़ा रहा है। वास्तव में आज की आवश्यकता है और मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामीण क्षेत्र के इस आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने पिछले कुछ समय से सरकार के स्तर पर दिए गए प्रयासों का परिणाम आज सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक यहां पे अच्छे ढंग से क्रियाशील हो चुका है और होने की ओर अग्रसर भी है।